आज पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं। अभी हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन, पंचायतों के इलेक्शन, आज यहाँ एक बहुत बड़ा समारोह होगा। ये जो यहाँ हो रहा है, याद करना चाहिए, ये जो आज का माहौल, आज के प्रधानमंत्री और प्राय कांग्रेस के प्रधानमंत्री, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के लोग या बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग आपके साथ बहस करते हैं तो कुछ आप सिखा नहीं सकते, उनका मुकाबला नहीं करते। आप लोगों ने एक ही बात बोली है जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इसमें तो बहुत से थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जब पार्टी का काम करते थे, अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए, देश की आजादी के लिए जब काम करते थे, तो उनको 300 रुपया महीना कांग्रेस की तरफ से तनख्वाह मिलती थी, 300 रुपया महीना। आयुष्मान क्या किसान बना देने वाले, उस वक्त आयुष्मान मजबूत यहाँ पे हो, पूरी ताकत यहाँ पे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादा रुचि दूंगा अपने ना जाते हुए सत्यपाल मलिक का वो बयान पढ़ ले और सुन ले जो उसने पुलवामा के सिलसिले में फौजियों की शहादत के बारे में कहा, और आज की जो नीति है जिसमें एक साल के अंदर अंदर कितने जवानों की शहादत यहाँ पे हुई, पूछो या हाल ही में काजीपुर जैसी चीजें हों, नीति बनाने की जरूरत है। और आप सब लोग मिलजुल के भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें, के साथ मिले थे जो अंग्रेजों को माफीनामा लिख के देते थे, उनसे हिंदुस्तान आजाद नहीं। इसलिए मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को कहता हूं, आप 70 साल नहीं बल्कि 140 साल के लिए जो इतिहास है, और उसके बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पंडित नेहरू जी को सदारत मिली, उस वक्त हिंदुस्तान की क्या हालत थी, हमारा जीडीपी क्या था, हमारी फौज कितनी स्ट्रांग थी, हमारे इंजीनियर कितने, हमारे डॉक्टर कितने, हमारी सड़कें कितनी थी, हमारे अस्पताल कितने थे, हमारे एम्स और आईआईटी कितने, ये सारा संगे बुनियाद पंडित नेहरू के दिमाग से चलता। कहता हूं कि अगर कोई बड़ी से बड़ी इमारत बनानी हो, जब उस इमारत की बुनियाद कमजोर हो तो वो इमारत गिर जाती, वो बिल्डिंग गिर जाती। इस इमारत की जो बुनियाद है, जब हिंदुस्तान से अंग्रेज भाग गए, इस इमारत की बुनियाद जो है वो कांग्रेस के मजबूत हाथों से पड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से पड़ी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो लीडर है जिसने एम्स की बुनियाद डाली, जिसने जगह जगह अस्पताल बनाने शुरू किए, जिसने जगह जगह यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू किए, जहां दिल्ली में उसको भी टांगा चलता था, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सुई भी यूनिवर्स कोई चीज की प्रोडक्शन नहीं थी। यार ये लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया, क्या मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया तो कांग्रेस ने बना, जो चीजें यहां बनती है कांग्रेस की वजह से। आज इनका एक ही फटा कि 5 साल 10 साल कुछ नहीं करो और 10 साल के बाद आपस में लड़ाओ। अभी इन्होंने एक कोशिश की हरियाणा नू में फसाद कराने की, इनके लोग इन्वॉल्व मिल गए, इनने वो षडयंत्र इन्होंने 6 महीने पहले से बना के रखा, ये फसाद उठाएंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है और उसमें फायदा होगा। वो प्लान भी इनका फेल हो गया, मणिपुर में फसाद इनकी वजह से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां गए भी नहीं। ये कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, यहां बड़ा तूफान हो गया, परसों ही हमारे कर्नल साहब शहीद हुए, हमारे डीएसपी शहीद हुए, हमारा मेजर शहीद हुआ, हमारे रजौरी पुंछ में 10 फौजी शहीद हुए, और ये बोलते हमने हालात सुधारे, और आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने कंडक्ट नहीं किया इन हमारे फौजी जवानों की शहादत पे, कंडक्ट नहीं किया। ये हालात हैं लोग, और जब काम करने की बारी आती है 10 पैसे का काम नहीं करते। मैं इसी कुठवा उधमपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा, मैं बनारस से एमएलए चुन के आता हूं और वहां से पार्लियामेंट सीट का हिस्सा, लेकिन हमने कभी 10 साल मेंबर पार्लियामेंट देखा ही नहीं। पार्टी के जो वर्कर्स मीटिंग है वो कंटिन्यूअसली 20 डिस्ट्रिक्टों में होने जा रही है, और उसके बाद हम रैलीज की तरफ जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी, आज मैं कुठवा में हूँ, इसी तरह से मैं कुछ दिन पहले मुसिल में था, जो बॉर्डर इलाका है कुपवाड़ा का, वहाँ इससे बड़ा प्रोग्राम था। कांग्रेस पार्टी एक्सेप्टेबल है 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में, और जहाँ तक जम्मू की बात है, जम्मू में अगर बीजेपी को कोई हटा सकता है, अगर बीजेपी का कोई तोड़ है, और अगर लोग जम्मू कश्मीर के ज़्यादा कोई किसी को इस किरण से देखते हैं, उनको किरण की एक किरण नज़र आती है राहुल गांधी में और कांग्रेस पार्टी में। मुझे लगता है जो भाजपा ने यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ किया वो कोई नहीं करेगा, उतना कोई बुरा करेगा नहीं। एक आप किसी भी हिंदुस्तान की स्टेट को यूटी बना के देखो, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, एक बार किसी जगह दिखाओगे आपका 100 साल वहाँ एड्रेस नहीं नज़र आएगा। आपने हमारी रियासत को यूटी बनाया और जितने जुल्म आपने करने थे उतने किए, चाहे वो स्मार्ट मीटर, चाहे वो बेरोज़गारी जिसपे मैंने आज बहुत तफसील से बोला, चाहे वो महंगाई, चाहे वो टोल टैक्स, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स, अभी मार्च में प्रॉपर्टी टैक्स की भी बिलें आनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को साल के बाद आती है, पानी का टैक्स बढ़ाया, हर चीज़ में बेरोज़गारी। आज मैंने वही कहा कि 10 साल में दिखाए बीजेपी कितने टीचर लगाए, और हमारा 10 साल भी निकाले हमने कितने टीचर लगाए, एक नौकरी नहीं इन लोगों ने दी लोगों। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है जगह जगह जाएगी, अवेयरनेस करेगी, और मुझे यकीन है पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम स्वीप करेंगे, असेंबली इलेक्शन भी हम स्वीप करेंगे। अभी आपने देखा इनकी एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि कांग्रेस पार्टी स्वीप कर रही है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने इलेक्शन रोक दिया। अभी इलेक्शन जब भी करेंगे हम तैयार हैं, इनको हम उखाड़ के फेंकेंगे, यहाँ के लोग, गरीब लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो इनको उखाड़ के फेंक देंगे। भाजपा के नेता कहते हैं हालात जो है टूटने के बाद शांति का माहौल है, G20 हो रही है, मिस यूनिवर्स वजह से प्रोटेस्ट आने वाले टाइम में हो रहे हैं। देखो हालात अच्छे होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के हालात 33 साल से खराब है। हम चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, शांति हो, ये टेररिज्म जो है ख़त्म हो जाए, लेकिन जो बीजेपी दावा कर रही थी वो गलत है। अभी आपका कर्नल शहीद हुआ, मेजर हमारे DSP हमारे पुंछ में 3 फौजी जख्मी हुए, पहले 10 वहाँ पे शहीद हुए जानबाग। ये हालात जो है पिछले 33 साल से ख़राब थी, कभी कम कभी ज़्यादा चलता है, ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो आपने कहा था कि हम 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को हम नंबर 1 रियासत बनाएंगे, आपने करप्शन में नंबर 1 बना दी, ये तो मानते हैं हम, आपने बेरोजगारी में इस स्टेट को नंबर 1 बना दिया, ये भी तो मानते हैं हम, आपने इस जितना तबाह और बर्बाद इस रियासत को करना था वो किया। अब इंशाल्लाह आप इलेक्शन हारेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, फिर हम दिखाएंगे शासन कैसे करते हैं। भक्तों का कहना है कि इनके पास चेहरा ही कोई नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, क्या कहना है आपका? देखो आपने राहुल गांधी जो है ऑक्सफोर्ड से PhD है इकोनॉमी में, और इनके प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन की क्या हालत है वो आप देख लो, अमित शाह जी खुद ही बोल रहे हैं क्या है वो। तो इसलिए राहुल गांधी का जो फैन फॉलोइंग है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, भले ही गोदी मीडिया क्या देती है वो अलग बात है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को लोग चाहते हैं वो राहुल गांधी को चाहते हैं, वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जम्मू कश्मीर में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार होगी, मैं ये वसूख से कहता हूँ। विपक्ष की बैठक भी होने वाली है सर, विपक्ष की बैठक भी होने वाली है, बैठक हमारी अपोजिशन पार्टीज की कल होने वाली है 3 तारीख को रेडिसन होटल में, बहुत बढ़िया मीटिंग होगी, हम लोगों की हित के लिए वहाँ पर बैठेंगे, बात करेंगे, जो परेशानी जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी ने दी है उसके लिए लड़ भी रहे हैं और लड़ेंगे। सर कारगिल इलेक्शन में किस प्रकार कांग्रेस अपना देख रही है, कहां तक जाएगी? कांग्रेस क्या भले भले है, बीजेपी का चेहरा लोगों ने देखा 10 साल उसकी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला हमें कश्मीर में है, लेकिन जम्मू में बीजेपी के साथ है, जम्मू में बीजेपी को हम उखाड़ के फेंक ही देंगे, ये मैं वसूल से कहता हूं। एक मोहरा डाल के रखे हैं, क्या देखते हैं जा साहब कितने कॉन्फिट हो गए, अब तक कहां तक पहुंच गया जा साहब? अब हम लोगों को कितना बोले, मैंने जितना बोला था 1 साल पहले कि आजाद साहब बीजेपी है वो पक्का हो गया, उस पर मोहर भी मोदी साहब ने डाली, अब क्या बोले।